हाँ तो भैया क्या हाल चाल, जय श्री महाकाल। हाँ तो भाई साहब, आज अपने पास हीरो की एक्सट्रीम 160R और ये गाड़ी अपने कंपटीशन देती है सीधे सीधे अपनी होंडा 160 को, अपाची 160 को और पल्सर NS 160 को। तो आज अपन ये देखेंगे जो इसका कंपटीशन है, ये उसके टक्कर की गाड़ी है कि नहीं, और इसके इसी वीडियो में अपन बात करेंगे इस गाड़ी के लुक्स के फीचर, इसका कम्फर्ट और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि हर इंसान का मतलब हर एक बंदे का जो भी ये गाड़ी खरीदे, कोई भी गाड़ी खरीदे, उसका एक क्राइटेरिया रहता है भाई कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे को लुक्स चाहिए, मेरे को माइलेज चाहिए। तो आज अपन यही सब बातें करेंगे इस गाड़ी की, अपने इसके लुक्स कैसे, इसके परफॉर्मेंस कैसे, इसके फीचर्स क्या है और इसके अपना कंफर्ट कैसा है। क्योंकि भैया सबके अपनी अपनी वो रहती है कि भैया मुझे इस गाड़ी में ये चाहिए, तो अपन आज इसी गाड़ी से देखते हैं इस गाड़ी ने इसके लुक्स के फीचर्स के कंफर्ट इसको कंफर्ट कैसा है। तो चलो देखते हैं आज के अपने इसी वीडियो में। हाँ तो भैया, अगर अपन हम बात करें गाड़ी के लुक्स की सबसे पहले, तो गाड़ी के लुक्स आपको ना स्पोर्टीनेस तो बिल्कुल दे देंगे, मतलब जिस कैटेगरी की गाड़ी ना स्पोर्ट की, स्पोर्ट बाइक के हिसाब से, तो मतलब मिल जाएगा हमको स्पोर्टनेस गाड़ी में। क्योंकि तो इसके लुक्स देखो आप साइड से अलग दिखता है कि भाई साहब गाड़ी अपनी स्पोर्ट बाइक है। क्योंकि देखो मतलब कंपनी ने ना जिस हिसाब से बनी ना, बिल्कुल लगता है स्पोर्ट बाइक है। अब ये होगा इसके देखो साइड से बात, और अगर मेरे पर्सनल ऑप्शन की मतलब अपनी राय की बात करूँ ना, तो भाई साहब बिल्कुल इस गाड़ी लगती है लुक में तो अच्छी है। ये हो गया इसका फ्रंट, जिसमें आपको ये पूरा अपना LED का हेडलैम्प मिलेगा, जिसमें हाई बीम लो बीम और DRLs मिलेंगे, वो आपको फीचर्स में बताऊंगा DRLs सब बग अच्छे से। बाकी ये रहा इसका फ्रंट, मतलब फ्रंट से भी अच्छी है, मतलब मुश्किल होगा किसी को ना जमे, बाकी मेरे ख्याल से तो 100 में से 90 लोगों 80 लोगों को जमी जाएगी गाड़ी लुक्स के मामले में। और ये इसका साइड से, मतलब ये है अपना कि लुक्स बढ़िया गाड़ी के, मतलब ऐसे यूँ नहीं लगेंगे इतना पैसा खर्चा करके कि अपने को लुक्स नहीं मिले। तो ये हो गया साइड से। हाँ बाकी इसका बैक का मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मेरे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा बैक इसका। ये इसका बैक और वो ये आ गया अपन साइड पोर्शन में। मतलब ये है कि मतलब जिस कैटेगरी बाइक है ना, वो आपको ये देती है, मतलब लुक्स चाहिए, अगर आपको स्पोर्टी लुक्स चाहिए ना, तो गाड़ी आपको स्पोर्टी लुक्स ज़रूर देती है। तो चलो ये हो गई बात लुक्स की, अब चलते हैं अपन गाड़ी के फीचर्स के ऊपर। हाँ तो भाई, अगर अपन अब बात करें गाड़ी के फीचर्स की, तो आपको कुछ मिलेगा इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि अभी आपको लाइट की मतलब कैमरे की नज़रों से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे में बहुत तगड़ा दिख मतलब वो है इसके ग्राफिक्स आने के। बाकी अगर मैं बताऊं तो आपको ये मिलेगा कुछ अपना स्पीडोमीटर, इधर आपको फ्यूल गेज मिलेगा, इधर टाइम बताएगा, ये आपका RPM मीटर और इधर टोटल कितनी चली है। उसके बाद आपको इधर नीचे इंडिकेटर जो अपनी वार्निंग लाइट्स मिलती है, जिसके अंदर आपको ये आपको मिलेगी अपनी ये स्टैंड की, इंजन की, ये न्यूट्रल की, उसके बाद ये अपनी एक की क्या कहते हैं ये अपने हैजार्ड लैम्प जो इंडिकेटर की रहती है उसकी, ये अपने ABS की, और एक ये अपने हाई बीम की ये रही अपने हाई बीम की। और इधर आपको दो बटन मिलेंगे, जिससे एक साथ ये कर सकते हो रीसेट, ये आपके रीसेट करने के लिए, और इधर आपकी गाड़ी के जो मोड कितने ट्रिप वन ट्रिप टू वाला मीटर कितने करना रहता है उसके मीटर उसके लिए। और अभी इधर साइड में चलें तो आपको कुछ मिलेगा इधर अपना इस तरीके से, इसके अंदर आपको मिलेगा ये अपना हाई बीम का उसका हाई बीम लो बीम का, और ये हेजार्ड लैम्प सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी फीचर्स में, मतलब इसको एक बार दबा दो आप, उसके बाद आपके चारों इंडिकेटर अपने ये चालू हो जाते ब्लिंक करते। उसके बाद इसके नीचे चलें तो ये आपको मिलेगा अपने ये इंडिकेटर इधर उधर करने के लिए, और ये हॉर्न, उसके बाद ये रहा अपना सेल्फ, और इसकी क्या अपनी फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है, तो उसके अंदर चोक तो ही नहीं। बाकी इधर चलें तो फीचर्स में आपको मिलेंगे अपना ये डिस्क ब्रेक, जिस जो कि है अपने ABS के साथ, और फीचर्स में क्या है बस यही है। और आगे आपको फीचर्स में बताएं तो अपना ये LED हेडलैम्प मिलेगा, जिसके अंदर हाई बीम लो बीम दोनों अपनी क्या कहते हैं हाई बीम लो बीम दोनों अपनी उसमें LED में, और आपको ये फीचर्स में अपने DRL भी मिलेंगे आपको जो दिख रहे होंगे ना, अच्छे लगते हैं, मतलब हेडलैम्प बढ़िया लगता है। बाकी भी अपन फीचर्स की बात कर ही रहे हैं, तो बाकी फीचर्स में ना कंपनी ने निराश कर दिया है एक चीज़ में। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना कंपनी ने तो अपनी हैंडल ग्रिल्स नहीं दी, जो अपना पीछे सपोर्ट के लिए रहती है ना, उसमें पैसे काट लिए। उसके बाद इधर देखो इधर का अपना वो रहता है सेक्शन, जहाँ पे अपना कोई कुछ आ नहीं जाए, तो एक सेफ्टी के लिए जो इधर लगता है वो भी नहीं दिया। और सबसे मेन फीचर अपना जो एक सेफ्टी के लिए रहता है, जो कि अपना लेग गार्ड रहता है, वो भी नहीं दिया। मतलब इसके लिए एक अलग से वो बना दी है एक्सेसरी, जिसके अंदर आपको ये लगवाना पड़ेगा। तो मतलब ये कुछ खामियों में मैं बोलूँ ना, एक ये लगी जो कंपनी ने काट ये जो सेफ्टी फीचर्स हटाए ना, ये बेकार करा। मतलब फीचर्स की चीज़ें हैं ये सब भी, बाकी उन्होंने दिए ही नहीं। तो चलो यही हो गया अपने फीचर्स की बात, अब चलते हैं इसके लुक्स कंफर्ट और परफॉर्मेंस के ऊपर। हाँ तो भाई साहब, अगर अपन बात करें गाड़ी के कंफर्ट की और परफॉर्मेंस की, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो भाई साहब, ये अपनी एक्सट्रीम की चाबी और ये अपनी पैशन की चाबी, मतलब देखो पैसे का फर्क आ गया यहाँ पे। इसमें प्रीमियम चीज़ दे दी, इसमें लोकल चीज़ दे दी, ये बताना था तो मैंने बता दिया। चलो भाई साहब, अगर अपन बात करें गाड़ी के परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब सबसे पहले अपन बात करें परफॉर्मेंस की ना, तो गाड़ी है ना पहले दूसरे तीसरे गियर में बड़ी रेव होती है और लगता भी गाड़ी खींच रही है। लेकिन जो मैंने उम्मीद थी ना मुझे अपनी इससे,
एक्सट्रीम से वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी यार भाई साहब। मतलब इससे मैंने हॉर्नेट चली अभी इसके कंपटीशन में, उसका व्यू है ना बहुत ही सही है यार। मतलब जो उम्मीद थी ना मुझे एक्सट्रीम से, वो उम्मीद पे ये खरी नहीं उतरी। बाकी इंजन ऐसा नहीं भगता नहीं, बिल्कुल भगता और स्मूथ ही, अच्छा अच्छा खासा स्मूथ इंजन। लेकिन वही है जो मतलब एक आप उम्मीद करते हो ना किसी चीज़ से, क्योंकि इसका जो लुक्स है और ये मेरे को लगा था नहीं यार भाई गाड़ी भगती होगी जब आके। मतलब ऐसा है कि गाड़ी भगती है, मतलब जिस सेगमेंट की गाड़ी जो इसको करना चाहिए वो करती है। लेकिन जो अपनी इसके कंपटीशन में बात करूँ ना तो हॉर्नेट उससे थोड़ी मुझे कम लगी यार, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कम लगी। बाकी अगर अपन इंजन की बात करें तो इंजन बड़ा स्मूथ है, 5 गियर आते हैं, 1 नीचे और 4 ऊपर, आराम से गाड़ी में इसे, और गेयरबॉक्स भी अच्छा मत मक्खन जैसा लगता, कोई दिक्कत नहीं इसे खास करने। और जब अपन पहले से तीसरे गियर में रहते ना, अच्छी गाड़ी दबा के रेव करती है, तो ऐसा नहीं लगता गाड़ी मतलब दब रही है, अच्छी दबा के चेपती है। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी ना मतलब इनर्शियल पिकअप, उसमें भाई साहब मैं एक बात बोलूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इससे ज़्यादा पिकअप था ना मुझे अपने हयाते में लगा था पहले और दूसरे गियर में। मतलब है काम वो तो पता है, लेकिन जो एक फील रहता है ना, वो फील वाली बात मतलब मेरे को हयाते में फील हो गई लेकिन इसके अंदर नहीं हुई। मतलब जो आपका एक रहता है ना, मैंने उसको उम्मीद नहीं थी मुझसे, लेकिन उसको जो मैंने खींचा था, जब चिपता था ना तो उसको लगता था कि हाँ भाई गाड़ी भगती है, इसको भी खींच रहा हूँ ना भगी ये भी रही है। लेकिन क्या है वो फील नहीं आ रहा है जो एक उम्मीद रहती है इस मतलब इस सेगमेंट की इस गाड़ी से। वही मैंने हॉर्नेट चली है उसका मैं बहुत ही शानदार यार, मतलब मजा आ जाते हैं। और अगर हम बात करें इंजन की टोर्क, मतलब कितना लोड ले डाल दो भाई साहब, ये गाड़ी है ना अपने शौक के लिए गाड़ी है, मतलब गाड़ी भगाने और लोग शोबाजी की गाड़ी है, तो उसमें अपन लोड डाल के तो चलेंगे नहीं। तो अगर आप लोड भी डालते हो तो मतलब इंजन बड़ा स्मूथ है, आप कितने इस पर अगर लोड भी डालोगे ना तो आराम से क्या कहते मतलब वही पेशेंट जैसा लोड ले लेगा, थोड़ी इसको मतलब घुटन होगी लेकिन जरूर ले लेगा इसको, मतलब गाड़ी देख के लग रहा है उनको इंजन, क्योंकि हीरो के इंजन है ना इतनी टोर्की नहीं रहते। मैंने जहाँ तक देखा, मुझे एक्सट्रीम से उम्मीद थी कि अच्छा टोर्की होगा, लेकिन ये भी भाई साहब इसने भी निराश कर दिया। तो अब बात करें गाड़ी की कम्फर्ट की, तो मतलब कम्फर्ट बढ़िया गाड़ी का, मतलब पेशन जैसे ही, मतलब जो अपनी 15-17 वाली पेशन है ना उसके जैसे ही, और सस्पेंशन भी बढ़िया, मतलब ऐसे कुछ अपने को इतना हार्ड नहीं मिलेंगे कि डस्के नहीं होते, आराम से ऑफ करते। तो अगर कंफर्ट की बात करूँ ना, कंफर्ट बढ़िया है गाड़ी का, ऐसे कोई अपने को दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ ऐसे काटने कूटने की, क्योंकि निक्ड बाइक की और स्पोर्ट बाइक की, तो देखो आराम से ऐसी कटती है, कोई ऐसा वो नहीं लगता कि वो हो रही है। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलती है, और इतना हार्ड भी अच्छे फेले हुए ना, तो ऐसा कुछ वो फील नहीं होता कि हाँ भाई गाड़ी दब रही है। तो इससे भी आप है ना 70-80 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और सीट भी इसकी अच्छी है, और इसमें ना पीठ का झुकाव भी नहीं था जिससे अपने पीठ में दर्द हो थोड़ा। और इसके एबीएस भी भाई साहब बड़ा अच्छा है, मतलब इतना सेंसिटिव नहीं कि तुम लगाओ हर चीज़ में एक्टिव हो जाए, मतलब जब आपको एकदम जब एक्टिव होना चाहिए ना जब ही होता है। तो बस यही एक अपना मिशन था अपने एक्सट्रीम 160R पे। अब चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तकलीफ भाई साहब जय श्री महाकाल।